22 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार की राजधानी पटना में थे, जहां पर उन्होंने पार्टी द्वारा आयोजित की गई जन जागरण सभा में शिरकत की। वहां मौजूद सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने आर्टिकल 370 को नासूर बताया और यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। 370 संविधान में नासूर की तरह था, जो आए दिन देश के दिल और स्वर्ग कश्मीर को लहूलुहान कर रहा था। धारा 370 का जहां तक सवाल है, धारा 370 संविधान का एक ऐसा नासूर था। मैं नासूर जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा नासूर था जिसने बहनों भाइयों हमारे ही जिगर के टुकड़े हो गए और इस दुनिया के स्वर्ग, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के स्वर्ग कश्मीर को लहूलुहान इस धारा 370 में कर दिया था। प्रारंभ से लेकर हम लोगों ने, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं दी है बल्कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी, प्रारंभ से ही धारा 370 को लेकर हमने बराबर संघर्ष किया और कहा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। सपने सभी लोग देखा करते हैं। लोग ये कहते हैं कि सपने तो लोग देखते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन हम कार्यकर्ताओं ने यह करके दिखा दिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह करके दिखा दिया। बहनों भाइयों, सपने तो हम भी देखते हैं लेकिन आंख बंद करके सपने नहीं देखते हैं, आंखों को खोल कर हम सपने देखते हैं, इसलिए हमारे सपने मुख्य रूप से पूरे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को जन्म देने में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की बड़ी भूमिका रही, इसने कश्मीर को रक्तरंजित कर दिया था। बहनों भाइयों, कश्मीर में जो आतंकवाद पैदा हुआ है, उस आतंकवाद पैदा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यदि कोई था तो यह धारा 370 थी, 35A। उसके कारण आतंकवाद पैदा हुआ और इसी आतंकवाद ने जब वो कश्मीर को लहूलुहान करके रख दिया है। बहनों, अब हम लोगों का फैसला है। देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी कुवत है, कितने आतंकवादी वह पैदा करता है, कितने आतंकवादी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो फिर से 1965 और 1971 को दोहराने की गलती नहीं करनी चाहिए, यदि ये लगातार दोहराया जाता है तो पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बंटने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखा, हौसले पस्त हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पीओके में आकर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आकर उन्होंने कहा, ऐ मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, अब तुम भारत पाकिस्तान की सीमा पर जाना मत। मैंने कहा बहुत अच्छा सुझाव दे दिया, बहुत अच्छा सुझाव दे दिया, क्योंकि जो वहां पर जाएगा हमारे लोग बैठे हुए वो वापस लौट कर फिर पाकिस्तान में कुछ नहीं कर। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, मैंने भाइयों 65 और 71 दोहराने की गलती नहीं फिर होनी चाहिए। 65 में भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, 71 में भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यदि वह दोहराया गया तो पीओके का क्या होगा, इसके बारे में पाकिस्तान विचार कर ले। पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, यदि यही सिलसिला आपका आगे चलता रहा और जिस तरीके से बलूचियों के साथ, पख्तूनियों के साथ मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन उनके साथ किया जा रहा है, यह सिलसिला चलता रहा तो फिर पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।